बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन दरअकम क्लासेस एंड हेयर आई एम योर इस्लामिया टीचर। उम्मीद करती हूँ कि आप ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने नमाज की एक्सरसाइज की थी, तो आज हम उससे अगला सबक करने जा रहे हैं जिसका अनवान है अस्ताज़ा का अदब। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि उस्ताज़ा के अदब में क्या चीज़ आती है। जी बिल्कुल, जब आपके उस्ताज़ा आपकी क्लास में आए या आप लोग कहीं भी बाहर उन्हें मिलें, आप उनको क्या कहें, उनके अदब में खड़े हो जाएं और उन्हें अस्सलाम वालेकुम कहें, शाबाश। और क्या करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही, वो जो बात आपसे कहें आप उस बात को माने। इसके अलावा जो कोई भी आपको कोई भी बात बताता है या सिखाता है, वो क्या है, आपका उस्ताद ही है। लाजमी नहीं है कि आपकी क्लास में जो टीचर हैं वही आपके उस्ताद हैं, आपकी अम्मी, आपकी दादी भी हो सकती हैं, आपके पापा भी, जो आपको अच्छी बातें बताते हैं, आपको लिखना सिखाते हैं, वो भी ही आपके उस्ताद में आते हैं। तो हम अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले सफ़ा नंबर 34 ओपन करेंगे और उसके ऊपर आज की तारीख लिखेंगे 13 जनवरी 2021 और दिन लिखेंगे बुध का। तो आज का अनवान है उस्ताज़ा का अदब। तो पढ़ाई शुरू करते हैं हम लोग। इल्म हासिल करना हर इंसान पर फ़र्ज है। इल्म हासिल करने के लिए हमें उस्ताज़ा की रहनुमाई की ज़रूरत होती है। उस्ताद के बगैर इल्म हासिल करना मुमकिन नहीं, इसलिए उस्ताद का अदब करना हर तालबे इल्म पर लाजिम है। उस्ताज़ा की इज्जत ना करने वाला कभी दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता। उस्ताद का अदब करने वाले बच्चे हमेशा इन बातों का ख्याल करते हैं। सबसे पहले वो किस चीज़ का ख्याल करेंगे, जब उस्ताद से मुलाकात हो तो अस्सलामु अलैकुम कहें। नंबर टू पर, जब उस्ताद कमरा जमात में आए तो उसके अदब में खड़े हो जाएं। उस्ताद के सामने ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें नहीं करनी चाहिए। उस्ताद अगर किसी काम का कहे तो उसे फौरन करना चाहिए। उस्ताद के साथ गुस्से के साथ या बेअदबी के साथ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पहले भी बातें बताई थी, तो आपको इन बातों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। अब ये आप देख रहे हैं रेड बॉक्स बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, प्यारे बच्चों, हर वो फर्द जो हमें कुछ अच्छी बात सिखाता है वो हमारा उस्ताद है। मैंने आपको ये बताया भी, लाजमी नहीं है कि जो आपके टीचर हैं वही आपके उस्ताद हैं, वो कोई भी हो सकता है, जैसे आपकी मम्मा, आपकी बड़ी आपी, आपके बाबा, कोई भी आपका उस्ताद हो सकते हैं। चलें अब हम इनमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हाईलाइट करते हैं। आप इसमें इल्म को कर लें, इंसान, फर्ज, उस्ताज़ा, रहनुमाई, ज़रूरत, मुमकिन, तालबे इल्म, लाजिम, इज़्ज़त, कामयाब, हमेशा, मुलाकात, अस्सलाम वालेकुम, जमात, ऊंची बातें, फौरन, गुस्सा, बेअदबी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अगर आपको इसमें से किसी भी वर्ड की समझ नहीं आती तो आप अपनी मामा या अपनी सिस्टर की हेल्प लेके इसकी रीडिंग कर सकते हैं। आपने इसकी रीडिंग अच्छे से करनी है। स्टूडेंट्स, अब आप लोग पेज नंबर 35 ओपन करें और उसके स्टार्ट में डेट लिखें, आज की तारीख है 13 जनवरी 2021 और दिन लिखेंगे आप बुध। उसके बाद सरगर्मी नंबर हम लोग 1 करेंगे, मुख्तसर जवाब दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किसके बगैर इल्म हासिल करना मुमकिन नहीं। जी आप मुझे बताइए, किसके बगैर इल्म हासिल नहीं किया जाता। जी बिल्कुल, इसके बगैर आपकी क्लास में अगर आपका टीचर नहीं होगा, उस्ताद ही नहीं होगा, तो आप लोग कैसे पढ़ सकते हैं। तो इधर क्या आएगा, उस्ताद, अलिफ सीन उस्ताद के
बगैर, इसके बगैर इन हासिल नहीं होता, उस्ताद के बगैर, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन टू, कैसा इंसान दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता? तो कैसा इंसान कामयाब नहीं हो सकता? उस्तादा की इज्जत ना करने वाला, ठीक है, उस्तादा की इज्जत ना करने वाला कामयाब नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब उस्ताद से मुलाकात हो तो क्या कहना चाहिए? जी आपको मैंने बताया हुआ ना कि जब भी क्लास में कोई आए या आप अपने टीचर या उस्ताद को कहीं भी देखें तो आप उनको क्या कहेंगे? वो आपसे बड़े होते तो क्या कहते उन्हें? अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहिए उन्हें? अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए। स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 35। अब हम इसमें करेंगे सरगर्मी नंबर 3। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट वाली की है, सेकंड हमारी स्किप है, वो हम नहीं करेंगे। थर्ड वाली करेंगे तो वो है दज़ैल हदीस में रंग भरी है। तो आप ये हदीस देख रहे हैं, इसमें डिफरेंट कलर्स आप करेंगे और इसका तर्जमा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे उस्ताद बनाकर भेजा गया है। अब आप देखिए ये कितनी प्यारी बात है कि नबी करीम भी हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने हमारी ज़िंदगी के बारे में हर अच्छी और बुरी बात के बारे में हमें बताया है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपने ये रीडिंग करनी है अच्छे तरीके से, क्वेश्चन आंसर आपने नीट राइटिंग में राइट करने हैं और ये कलरिंग भी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।